हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी, तो पकौड़ी इसका सोयाबीन का। तो ये हमने सोयाबीन बॉईल किया है और इसका पूरा पानी निचोड़ देंगे, एकदम सूखा कर लेंगे इसको, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको एकदम निचोड़ के, और ठंडा होने के बाद, नहीं तो एक बहुत गर्म होता है, तो ऐसे सब पानी निचोड़ लेंगे। और अभी इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। ये हमने एक कटोरी आटा लिया है, छोटा कटोरी, और आधा कटोरी मैदा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो अभी इसमें हम मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर प्याज अपना पीस कर उसका मसाला बना के भी डाल सकते हो, और अच्छा बनेगा। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको अभी हम मिक्स करेंगे सबको, और इसका पेस्ट बना लेंगे, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा, जिससे हमारा जो सोयाबीन का बड़ी है वो एकदम अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए, तो उसका कोटिंग अच्छे से चढ़ जाए। तो इसको हम अभी मिला लेंगे। और इसमें अगर आप कुछ और सब्जी ऐसा पीस कर डालना चाहें तो और डाल सकते हैं, क्योंकि और उसमें चीज़ें डालेंगे तो और शायद टेस्टी बने। नहीं, बहुत अच्छा टेस्टी बना था, कि खाने में पहली बार बनाया है, बहुत अच्छा बना। तो इस तरह से आप इसका घोल बना लें। और इसमें भी हम डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका पाउडर है तो, धनिया पाउडर। तो ये डाल के हम, और साइड में हमारा तेल गरम हो रहा है, अभी हम फिर इनको तलेंगे। और आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया, देखिए इसी हिसाब से होना चाहिए पूरा। तो अभी हम इनको डालेंगे इसके अंदर और इनकी कोटिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे तो ये उसका वो कोटिंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए इनको इस तरह से गाढ़ा ही रखना चाहिए। और देखिए सब पूरा मिल गया है इसमें। अभी हमारा तेल साइड में गर्म है, तो अभी हम इनको तेल में डालेंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो देखिए, और आप लोग भी बनाइए, बना के कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। तो हमने तो पहली बार बनाया है, बहुत अच्छा बना, खाने में बहुत अच्छा था। क्योंकि जो लोग सोयाबीन सब्जी तो हर कोई बनाता है, और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उसके लिए अच्छा है। तो इस हिसाब से हम, तेल गर्म हो चुका है और इनको हम तल लेंगे, क्योंकि सोयाबीन में एक कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो सोयाबीन खाना भी चाहिए। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उन लोग के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो इस हिसाब से बनाइए आप लोग भी। तो सब तलेंगे हम, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो ये देखिए ऐसा गोल्डन ब्राउन अपने से होता आ रहा है, ये देखिए, ये तो ये हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, फटाफट बन जाता है, क्योंकि सोयाबीन है वो बॉईल कर लेते हैं, तो ज़्यादा उसको बॉईल भी नहीं करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसका कलर एकदम। इसको हम निकाल दें, और इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है, इनको टिश्यू पेपर पे भी डालना ज़रूरत नहीं। तो ये हमने सोया सॉस लिया है, हरी चटनी अपनी, और सेजवान चटनी है, आप जिससे खाना चाहें उससे। देखिए अंदर कितना सॉफ्ट है, ऊपर इतना कड़क है, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत अच्छा बना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट।